हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल बायो इजी एंड नाउ वी हैव नेक्स्ट सुपर ट्रेंडिंग क्वेश्चन व्हिच इज मैच द फॉलोइंग क्लिनिकल सिंड्रोम विद क्रोमोजोम सो कॉलम फर्स्ट में जो है आपको क्लिनिकल सिंड्रोम मिलेगा और कॉलम टू में आपको इस सिंड्रोम को क्रोमोजोम से मैच करना है सो फर्स्ट इज द डाउन सिंड्रोम तो देखिए डाउन सिंड्रोम का लिंक जो होता है वो किससे होता है ट्राइसोमी ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोजोम से होता है तो देखिए बच्चों डाउन सिंड्रोम जो होता है वो मेल या फीमेल दोनों में हो सकता है ध्यान रखना है नेक्स्ट जो है एडवर्ड सिंड्रोम तो एडवर्ड सिंड्रोम के लिए रेस्पॉन्सिबल जो है वो ट्राइसोमी ऑफ एटीन क्रोमोजोम है और ये भी आपको मेल और फीमेल दोनों में मिल सकता है नेक्स्ट पटाऊ सिंड्रोम तो पटाऊ सिंड्रोम के लिए रेस्पॉन्सिबल जो होता है वो ट्राइसोमी ऑफ थर्टीन क्रोमोजोम है और ये भी आपको मेल और फीमेल दोनों में ही मिलता है क्लियर है नेक्स्ट जो है आपके टर्नर सिंड्रोम तो टर्नर सिंड्रोम जो लिंक हो रहा है वो एक्स ओ से है और ये जो सिंड्रोम होता है सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में मिलता है ध्यान रखना है नेक्स्ट जो है क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम तो क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम जो होता है बच्चों ये डबल एक्स वाई ठीक है और ये किसमें मिलता है यस yes, ये मिलता है मेल्स के अंदर नेक्स्ट जो है जैकोब सिंड्रोम तो जैकॉब सिंड्रोम के लिए रेस्पॉन्सिबल जो है वो एक्स डबल वाई होता है और ये भी मेल में ही मिलता है ठीक है नेक्स्ट जो है ट्रिपलो एक्स सिंड्रोम तो ये लिंक होता है ट्रिपल एक्स से और इसका लिंक जो होता है वो फीमेल से होता है तो हमारा राइट right आंसर कौन सा होगा डी क्लियर थैंक यू वेरी मच